हम सभी का कोई ना कोई हमराज ज़रूर होता है, लेकिन हमें कुछ नेकियां और कुछ बातें बस अल्लाह और हमारे दरमियान भी छोड़ देना चाहिए। बेशक उससे बड़ा कोई हमराज नहीं हो सकता, बिना बोले वो मन की सारी बातें जानता है। कभी कभी हमें समझने वाला भी हमें नहीं समझ पाता, लेकिन अल्लाह तो बिना बोले ही सब जानता है। जब अल्लाह तुमसे तुम्हारी जान छीन लेता है मगर तुमसे अपने जिक्र का इख्तियार नहीं छीनता, तब अल्लाह तुम्हारी दुआओं पे राज़ी होता है। लेकिन इस बीच अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी आता है। जैसा बंदा होता है वैसा इम्तिहान होता है। बंदा जमा रहता है ना अपनी बात पे, तो अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह आजमाता उन्हें है जिनसे वो मोहब्बत करता है। वो तुम्हारी नज़र में चीज़ें इसलिए नामुमकिन बना देता है ताकि तुम उनके मुमकिन होने के लिए उससे मनाओ, क्योंकि वो दुआ मांगने वाले हाथों को कभी खाली नहीं लौटाता। वो दुआ को ज़ुबान तक पहुंचाता ही तब है जब उसे तुम्हें उस चीज़ से नवाजना होता है।